बार कहा है घर से जाते वक्त पीछे से आवाज न दिया कर। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जहाँ से क्या आवाज दे सकती हूँ। मैं पूछती हूँ कहाँ जा रहे हो। हीरा मंडी नहीं जा रहा, एक जरूरी मीटिंग में जा रहा। किस किस्म की मीटिंग? अगर आपको किस्म भी बतानी पड़ेगी मीटिंग की। बुजुर्ग कह गए हैं कि अपना कोई राज औरत को न बताओ। अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं मिनिस्टर साहब के यहाँ जा रहा हूँ तो तुम सारे महल्ले में कहती फिरोगी हमारे मियाँ तो मिनिस्टर साहब की कोठी पे जाते हैं। सारा महल्ला मेरे पीछे पड़ जाएगा। कोई कहेगा मुखलिस साहब हमारे यहाँ नलका लगवा दीजिए, कोई कहेगा हमें फ्लैट दिलवा दीजिए, कोई कहेगा हमारे यहाँ बच्चा पैदा करा दीजिए। अरे मिनिस्टर साहब के यहाँ जा रहे हो तो सुनो, आजकल बैग में बड़ी कमाई है, उनसे कहकर ब्रेक रूट परमिट ले लो। ये अवामी हुकूमत है, सिर्फ रोटी कपड़े और मकान का इसने वादा किया, रोड परमिटों का वादा नहीं किया है। मैं चला। मेरे रोज का खर्चा 50 रुपए। कैसी बीवी हो तुम, यहाँ ऐसे भी शरीफ घराने हैं शौहर कह के जाते हैं कि दोपहर को मुर्गी पका के रखना तो मुर्गी पक्की भी रखी होती है। मैं बीवी हूँ, कोई दास्ता नहीं। दास्ता होती तो खुदा की कसम 500 रुपए दे चुका होता। तुम तो इस घर में सिर्फ बीवी बन के रह गई हो। बहरहाल धंधे पे जा रहा हूँ, वापसी में 1000 रुपए हाथ पे ला के रखूंगा। इधर उधर से जरा मुर्गी का कुछ इंतजाम करके रखना। पहनने दिए, हॉर्न पे हॉर्न बजाए चले जा रहे हो सकता है बिल्डिंग में कोई बीमार हो, कोई तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहा हो। तालिब इल्म के बच्चे, इंतजार तो तुम मुझे ऐसे करवा रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दोस्ती ड्राइवर हूँ। देखो भाई, तुम हो पब्लिक की नज़र में अभी कंवारे, जब तुम्हारी पहली शादी होगी तब पता चलेगा कि घर से निकलने के लिए बीवी से क्या क्या झूठ बोलने पड़ते। बुलाओ जल्दी आ गया था कि तुम निकलना जाओ, इसलिए कपड़े भी नहीं बदले। ये तो बिस्तर में घुसने के कपड़े हैं। हर वक्त ऊट पटाऊ बात है, मत क्या करो, जल्दी चलो। आज कॉलेज की लड़की लड़कों का पिकनिक का प्रोग्राम है, अभी मुझे कपड़े भी चेंज कर रहे हैं, जल्दी चलो। नहीं यार, तुम कपड़े बदलो, मैं जरा अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आता हूँ। मैं जानता हूँ यार तुम्हारी रोज की प्रॉब्लम क्या है। ये लो 50 का नोट। नहीं यार, मुझे पैसे से नफरत हो। मैं तुमसे इतने 50 के नोट ले चुका हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है 2-4 दिन में हमारी तुम्हारी दोस्ती शर्मिंदगी में तब्दील हो जाएगी। फिक्र न करो यार, इंसान या तो पैर होली शर्मिंदा हो जाता है और या तो जिंदगी पर शर्मिंदा ही नहीं होता। क्यों कर रहे हो? मजाक कर। मजाक कर रहे हो तो लिए लेता हूँ, जाओ तुम पिकनिक पे जाओ। और तुम? मैं जरा तुम्हारी भाभी को किसी डॉक्टर को दिखा के लाता हूँ। लो मेरे 50 का नोट। ठीक है रखो, मगर डॉक्टर के लिए भी तो चाहिए। अगर तुम भाभी को दिखाओ ठीक है। अरे कितने बार सुनोगी कि मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं ऐसी सहेली नहीं है, तुम मुझे दुश्मन समझिए, लेकिन मुझे तंग मत कर। क्या हुआ बेटी? अलग है, इसे बाहर ले जाना चाहते हैं। किस लिए? इसकी जिंदगी के लिए। मैं समझी नहीं, देर रात पढ़ाई करते करते इसने चेत का सत्यानाश कर ली और इसने सैर करना शुरू ना की, इसे कुछ हो जाएगा। हाँ अल्लाह ना करे। खाला जान, मैं इसकी सहेली हूँ, इसकी बुराई मैं नहीं सोचूँ तो भला और कौन सोचेगा। जा चली जा सुरैया। लेकिन अम्मी, अरे तुझे कुछ हो गया, तू ना बाप है ना भाई,
कौन देखभाल करेगा तेरी? इस बुढ़ापे में और कितने दुख सहूंगी बेटी, फिर इसका कहना मान ले। हाँ जा चली जा, कपड़े तब्दील कर ले जा। मेरी इंतहाए निगारिश तो देखो, मेरी इंतहाए निगारिश तो देखो, तेरे नाम से सदा कर रहे। अबे ये क्या है? आशिक किनारे एक लड़की का खत है। अरे ऐसे खत तो कहीं आए और कहीं पढ़े। मदद साधा है कि आसिफ अपनी क्लास से लो सैया को अपने शीशे में उतारे तो माने। अबे उसे आने तो दो। अरे क्या करोगे? क्या करूंगा, ये वक्त बताएगा कि मैं क्या करूंगा। पहले जरा मैं इनसे मिल लूं। हेलो ब्यूटीफुल लेडी। अरे भाई वो सूर्या नामी तुम्हारी शेरी की वो कहाँ है? वो घर बैठी होगी, इंसानों से बेजार, हंगामों से दूर, नजमा से लेने गई है। वो उसे लेके आती ही होगी। लो वो आ गई। रिमर्श करता हूँ। आदाब। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। अरे आपको किस बात का इतना गरूर है? आप किस वजह से इतने गुस्ताख हैं? अरे मैंने तो आपको सलाम किया है। जवाब देना ना देना मेरी मर्जी है। जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं। क्यों? आपने मजे बदल लिया है। ये मेरा जाति मामला है। जी नहीं, ये कौमी मसला है। नजमा, तुम यहाँ मुझे जलील कराने के लिए लाई हो, मैं यहाँ एक मिनट नहीं ठहरूंगी, समझी? ओहो। जिद न कर इस कदर जाने जा, अरे रे जिद न कर इस कदर जाने जा। हर्ज क्या मुस्कुराने में है, वो मजा रूठने में कहा। जो मजा मान जाने में है, अरे रे जिद न कर इस कदर जाने जा। जिद न कर इस कदर जाने जा। जिद न कर इस कदर जाने जा। Na pa
मेरा तजुर्बा मुझको नींदें चुराने में है। अरे रे जिद न कर, जिद न कर इस कदर जाने जा, दर्द का मुस्कुराने में है वो मजा रूठने में कहा, जो मजा मान जाने में है। अरे रे जिद न कर, जिद न कर इस कदर जाने जा। आसिफ कहाँ जा रहे हो? जी कॉलेज जा रहा हूँ। किस लिए? जी वो इम्तिहान नजदीक है ना, इम्तिहान देने की कोई जरूरत नहीं है। कॉलेज में जो कुछ आप पढ़ते हैं उसका रिजल्ट आ गया, ये देखिए। क्या है ये? आपके बेटे के प्रिंसिपल का खत है, साहबजादे को कॉलेज से निकाल दिया गया है। क्या किया मेरे बेटे ने? आपके साहबजादे कॉलेज में लड़कियों से इश्क फरमाते हैं। ये मेरे मासूम बेटे पर सरासर इल्जाम है। अरे आजकल की लड़कियां तो खुद छेड़ती हैं लड़कों को। बेगम तुम जैसी माँ जिस औलाद के ऐबों पर मासूमियत के पर्दे डालती है वो माँ बाप की नाक कटवाती है, उनका नाम रोशन नहीं करती। अरे तुम तो मेरे बेटे को इस तरह रोक टोक करते हो जैसे तुम्हारा ने सौतेला है। अरे भाई इसे कॉलेज से निकाला गया है तो क्या हुआ? शहर में कॉलेज की कमी तो नहीं, बड़ी से बड़ी शिफारिश दिलवा कर इसे किसी दूसरे कॉलेज में दाखिला दिलवा दो। जा मेरा जा। बेगम तुम्हारा बेजा लाज प्यार देख कर डरता हूँ, हमें कोई बुरा दिन देखना नसीब ना हो। कभी अच्छी बात भी सोच लिया करो। अरे बाहर तुम यहाँ भी चले आए? पागल से और क्यों नहीं कह सकती? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? तुम्हें अपना नहीं चाहिए। तुम अपना नहीं, मुझे बदनाम करना चाहते हो। जुबान तुम्हारी है, जो चाहो कह लो। चले जाओ यहाँ से। जाना होता तो यहाँ क्यों आता? मैं तुम्हें इतनी इजाजत नहीं दूंगी कि तुम मुझे महल्ले भर में बदनाम कर दो। कॉलेज से निकल कर भी तुम्हें सबक नहीं मिला तो मैं तुम्हारे घर जाकर शिकायत करूंगा। आसिफ ने तुम्हें पहले भी किया और आज तुम्हारे घर जा पहुंचा। आने दो उसे, मैं उसकी खाल उधर दूंगा। किसकी खाल उधर देंगे आप? तुम्हारे बेटे इस मासूम को तंग करने इसके घर जा पहुंचा। ये क्यों नहीं कहते ये इस घर से नाता जोड़ने के लिए यहाँ तक आ पहुंची? बेगम अरे मैं आजकल की लड़कियों की चालों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर मैंने ये सोचा हो अल्लाह करे मुझे मौत आ जाए, और जो आपने सोचा है मैं गरीब हूँ इसलिए आपसे कुछ कह भी नहीं सकती। बेगम चर्बी तुम्हारे जिस्म पर ही नहीं अग्नि पर भी चढ़ गई है। क्यों शिकायत कर दी? लेकिन एक बात और सुन लो, चाहे तुम मुझे सूली भी चढ़ा दो मैं वहां भी तुम्हें अपनाऊंगा। आसिफ यहां काम गए शिकायत आप तक पहुंच चुकी है, तुम शर्मिंदा नहीं हो? जी नहीं। आसिफ तुम एक शरीफ लड़की के घर जाकर उसे बदनाम करो और उस पर शर्मिंदगी भी महसूस न करो, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा। मैं आपसे उस लड़की को अपनाने की इजाजत चाहता हूं। क्या तुम इस काबिल हो? जो भी हूं मैं उसे अपनाना चाहता हूं। तुम्हें उसका ख्याल छोड़ना पड़ेगा, ये मेरा हुक्म है। मैं उसे अपना के लूंगा, ये मेरी जगह। आसिफ मैं तुम्हें जायदाद से आप कर दूंगा, मुझे कोई गम नहीं होगा। आसिफ तुम एक मासूम लड़की की इज्जत से ही खेलना नहीं चाहते, बाप से भी टकराना चाहते हो? नहीं डैडी, मैं तो सिर्फ आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूं कि अगर सुरैया मुझे ना मिली तो मैं जान दे दूंगा। आप क्यों मेरे बच्चे की जान लेने पर तुल गए हैं? आसिफ की मां वो तो शादी तो करना चाहता
है? नहीं, उसे जिंदगी भर रुलाना चाहता है। और किसी गरीब लड़की के आंसू मेरे नाम है अमाल में लिखे जाए, मैं ये गलती नहीं करूंगा। ये क्या कर रहा है ऊपर? ऐसी दुनिया में जिंदा रहना नहीं चाहता। आपके खुशी के लिए कल मुझे अपने बाप से लेना पड़े। इस जन्मदिन को आप दे रही हो माँ? ये क्या कर रहा है? ये मेरा बच्चा जाते और आपसे नाटक कर रहा है। आते नीचे उतरो, मैं कहता हूँ नीचे उतरो। मैं आपको क्या कह रही हूँ सदस्य, तो अपनी जान देकर हमें बेमौत मारना चाहते हो? मेरी जिंदगी और मौत आपके बस में। आशीष के अबू, हमारा एक ही बेटा है, अपनी जिद को इसकी ख्वाहिश पर कुर्बान करके नहीं देते। इसकी शादी कर दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। आप चुप क्यों? कौन है? आ जाओ अंदर। या आप भाभी, आप सलामत हैं? आपके सामने हूँ, आइए बैठे। शुक्रिया शुक्रिया भाभी, तशरीफ रखिए। ढाके में जब गड़बड़ शुरू हुई, मैंने आप लोगों से रास्ता पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कोई पता नहीं चल सका। खुदा का शुक्र है कि आपको यहाँ देख रहा हूँ। वो मेरा दोस्त अहमद कहाँ है? भैया, जब अपने पराए हुए गलियों बाजारों में कयामत मची, वो उन्हीं हादसात का शिकार हो गए। न जाने कौन सा मर्जा हम मालिकों को यहाँ ले आया। खुदा, गड़बड़ शुरू होने से पहले जब मैं यहाँ आया था, मैंने अहमद से भी कहा था कि तुम भी मेरे साथ चले चलो। अगर वो मेरी बात मान जाता तो आज ये दिन देखना नसीब न होता। किस्मत के लिखे को कौन डाल सकता है? मगर आप बताएं, आपको हमारी खबर कैसे हुई? आप यहाँ कैसे आए? बेटे का बाप बनकर बेटी वालों से सवाल करने आया था, क्या बताता कि आप मिल जाएंगी। आप सुरैया की बात करने आए? हाँ बहन। उसे मरहूम बचपन ही में आपकी झोली में डाल गए थे। मुझे आपका ठिकाना मालूम नहीं था, वरना मैं खुद आ जाती। सुरैया आपकी अमानत है, जब भी चाहे ले जाए। इत्तेफाक देखिए, आसिफ और सुरैया एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें बचपन की कोई बात याद नहीं। आसिफ ने कॉलेज में सुरैया से कोई शरारत की थी, सुरैया मेरे पास उसकी शिकायत भी लेकर आई, लेकिन मैं भी नहीं पहचान सका। सुरैया बेटी को हकीकत बता दीजिएगा, मैं घर जाकर आप लोगों के मिलने की खुशखबरी सुनाता हूँ। मुझे क्या जरूरी है? खुदा हाफिज। अल्लाह खुदा हाफिज। मुबारक हो सत्तार, आप जहाँ बेटे का रिश्ता तय कर गए थे, तब भी रिन्हीं को इस दरवाजे पे ले आई है। सुरैया अपने घर चली जाए तो वो फर्ज जो आप मुझे सौंप गए थे पूरा हो जाएगा। अम्मी, अब्बू की तस्वीर से क्या बातें कर रही हो? आज बड़ा नेक दिन है बेटी, मैंने तेरी बात पक्की कर दी है। आने वाले तेरे अब्बू के दोस्त निकले, वरुण बचपन में उनके बेटे से तुम्हें मनसूख कर गए थे, और वो लड़का तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ता है। कौन है माँ? आशीष। आशीष, किसी बचपन की बात को मेरी जिंदगी का रोक न बनाना माँ, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। भाई साहब मुझे बता रहे हैं कि उसकी शिकायतें लेकर उनके पास जा चुकी है। अब आशीष को मालूम होगा तुम कौन है, तो खुद शर्मिंदा होकर तुमसे माफी मांगेगा। माँ, तू पराया धनी बेटी, किसी न किसी घर तो तेरी डोली जानी है, पर आए लोगों का क्या पता कैसे निकले। भाई साहब के आ जाने से मैं समझती हूँ तकदीर ने मेरी सेवा की लाज रखी। तू हर बात भूल कर दुल्हन बनने की तैयारी कर, अल्लाह सब ठीक करेगा। ये वही चेहरा है जो मेरी सूरत देख कर नफरत से बिगड़ जा सकता था, ये वही हाथ है जिससे तुमने नरमी पर तमाशा मारा था। आप उन बातों को क्यों याद कर रही हैं?
उन बातों को भूल जाता, उन बातों को भूल जाता तो इस स्टेज पे तुम्हारी जगह कोई और था। लेकिन आपने खुदा को हाजिर नाजिर जानकर मुझे बीवी बनाया है। हाँ, ताकि मैं तुमसे तुम्हारे गरीब का इंतकाम दे सकूं। खुदा के लिए ऐसा न कहिए। अब तुम्हारे तकदीर की लकीर मेरे हाथ में से मिटाई है। तुम हर रात मेरी बीवी बनकर मेरा इंतजार करोगी, लेकिन तुम्हारी हर रात सुहाग से खाली रहेगी। Thank you.
देवदास की फिल्म याद आ गई, क्या हीरो वाला फूल बनाया है, कुछ माल शाल बचा भाई? हाँ ठीक है, गुजारा है। बकवास बंद करो, पेशा वराना बातें करते हो टैक्सी। देखो ये हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं जी, और बहुत ही रईस घराने के साहबजादे हैं, और तो ये नाश्ता नहीं करते हैं। अच्छा। इनको जब ये सुबह उठे तो इन्हें ब्रेकफास्ट करा दें। बहुत ठीक है, और जब ये अपने पैरों पर खड़े हो जाए तो इनके लिए फिर टैक्सी ले आना। बहुत अच्छा। और टैक्सी के अंदर इन्हें जमा करके ये टैक्सी वाले को 10 रुपए दे देना। बहुत ठीक है। अच्छा हाँ, ये तुम्हारा इनाम भी है। बहुत अच्छा। हाँ, इनके हाथ में घड़ी भी है। उतार लू? नहीं, देखो ठीक आदमी की पतलून उतर जाए कोई बात नहीं है, मगर हाथ की घड़ी नहीं उतरना चाहिए। ओके। वो दरअसल बात ये कि शरीफ आदमी की घड़ी में उसकी साइकोलॉजी होती है, उसी के अंदर उसका अच्छा वक्त होता है, उसी के अंदर उसका बुरा वक्त होता है। अरे तुमको भी तो कुछ मिलना चाहिए। अच्छा भी है, होगा 150-200 रुपए का तो ये भी माल होगा। अच्छा, ख्याल रखना, मेरे बहुत ही अजीज किस्म के दोस्त हुआ करते। और बेटे। हाँ जी माँ जी। वो तो रात ही को चले गए थे, अब तक नहीं लौटे। दूसरों से ही चला गया होगा। उसकी रात पर गायब रहने की बात को अफसाना बनाकर उसके अब्बा के कान ना भर देना। देखो बेटी, रईसों के बेटे अक्सर घर से गायब रहा करते हैं। आ गए? हाँ आ गए, मेरी पर्सनल वाइफ। जरा नहाने के लिए गर्म पानी। नहीं, ऑमलेट तो दे दो। नहीं। अच्छा थोड़ा सर ही दबा दो। नहीं नहीं। अच्छा तो ये पैसे भी नहीं लोगे फिर? नहीं। शुक्र। ये पैसे तो लगो। अच्छा ये बताओ, रात फिर कहाँ रहे? बस इन्हीं पैसों के लिए ओवर टाइम लगा रहा था। अच्छा फिर तो बहुत थक गए होगे। हाँ। फिर लेट जाओ, मैं तुम्हें दबा देती हूँ। मुझे या इन नोटों को दबा देती हूँ? करने से बात नहीं आते, तुम तो बड़े फो हो। तुम भी बड़ी ये हो। तीरे से आ जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? चुनौन घर से बाहर। ये जानने के बावजूद कि तुम्हारी शादी की पहली रात थी। बाबा जान कुछ पैदा को दोस्तों ने दावा दी थी, उन्होंने रोक लिया। दोस्तों की इंजॉय करते थे कि भूल गए थे कि जिस दिनों ने सारी रात तुम्हारे इंतजार में गुजारती है उसका तो बड़ा ज्यादा है। ये बात नहीं कर सकते, सुबह सुबह मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए। तुम इसकी बेजा तरफदारी करके इसे और बिगाड़ने की बजाय इसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करो कि अब इस पर एक मासूम लड़की की जिम्मेदारी का बोझ है। पापा जान, इस घर में बोझ बनने नहीं, बोझ बात में आई हूँ। ये रात भर घर से बाहर रही तो कोई मजबूरी होगी। जीती रहो बेटी, अच्छी बीवियां शौहर पैरों पर इसी तरह पर्दा डालती हैं, लेकिन इसका मिजाज बिगड़ा हुआ है। अगर ये तुम्हें कभी तकलीफ पहुंचाए तो मुझसे कभी न छुपाना। अगर मैं इनका दिल जीतने में नाकाम रही तो जरूर आपका सहारा लेंगे आप बचाए। खुदा आसिफ को हिदायत दे। नहाने का मूड हो तो गुसलखाने में गर्म पानी लगा दो। नहीं। नाश्ता करेंगे? नहीं।
आप थके थके से लग रहे हैं, दवा दो। आप रात को बाहर से नहीं रहेंगे? नहीं नहीं नहीं। शुक्रिया। इनायत, तुम सोए नहीं? आप जाग रहे थे तो मैं कैसे सो सकती थी? कितने अच्छे मूड में आया था तुम अपने मनोज सूर लेके सामने आ गए। मनोज सूर होते हैं और मैं तो आपकी बीवी हूँ। बकवास बंद करो। एक तो आपकी खिदमत के लिए जाग रही हूँ, हर ऊपर से कहते हैं कि बकवास बंद करो। जाग रही हो तो मुझ पे एहसान नहीं कर रही हो। जरूरत नहीं। मेरी मनोज सूरत आपको बुरी लगती है तो कल से नकाब पहनकर आया करो। जाती हूँ या नहीं? तकलीफ नहीं कीजिए, मैं चली जाती हूँ। दरवाजा बंद ना कीजिएगा, शायद मेरी जरूरत पड़ जाए। नौकर को नाश्ता लाने के लिए क्या रखा है? कम वक्त ना जाने कहां मर गए। अरे बेटी, नाश्ता तुम तैयार करके लाइए, नौकर कहां चले गए? मैंने छुट्टी दे दी। क्यों छुट्टी दे दी? हमने घर उन्हें सौंप रखा था और उन्होंने घर में लूट मचा रखी थी। ये लीजिए पैसे जो उन्होंने आज ही नाश्ते से बचाए थे। मैं कहती हूँ घर का काम कौन करेगा? आप फिक्र न करें माँ जी, मैं खुद कर लूंगी। अरे बेटी, आज जरा मेरे हाथ का पक्का तो देखिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं क्यों नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। किस बात की वाह वाह वाह, सारा हराम कर दिया होगा। अरे तुम खा के तो देखो कैसा पकाया है हमारी बेटी ने। कैसा है? ठीक ही है। आपसे सीखकर और अच्छा खाना पकाने की कोशिश करूंगी। अब मैं इन्हें नाश्ता दे आऊं। नुकसान घड़ी का नहीं आपका होगा। अलार्म किसने लगाया था? इसलिए इसलिए कि आप वक्त पर उठ सके। देर तक सोने बार दोनों के लिए बुरा होता है। किसने कहा कि मैं जूस पीता? आप तो कुछ और पीते हैं, मगर ये उसका तोड़। तो उठकर मुंह हाथ धो लीजिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मुझे जरूरत नहीं। सामान लगा दो। मेरे हाथ टूटे हैं। ये बताइए कौन सा सूट पहनेंगे ताकि मैं इस्त्री कर दूं। मैं कहता हूँ
ये कमरा आपका है? तो आपके बाप का है? मेरे शौहर का है। देखिए, आप मुझे ज्यादा डांटा ना करें। अगर मेरे शौहर की गैरत जाग उठी ना तो मेरे शौहर की जिंदगी चली जाएगी। पापा, जाती हूँ। जरा सेंट लगा दो। चश्मा भूल गए। तो इन शीशियों में आपने क्या जुल्लाब भर रखा है? पहले आप पुराने हिसाब साफ करेंगे, उसके बाद आपको मिलेगी। आप शायद मुझे जानते नहीं हैं, मैं एक सेकंड में मैनेजर बदलवा दिया करता हूँ। बहरहाल इस वक्त तो मैं जा रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिसर के पास। वापसी में मैं आपका बिल क्लियर करूँगा। आप पासपोर्ट ऑफिसर को जानते हैं? जानते हैं, अरे मेरा दोस्त है, मेरा यार है, एक मरतबा यहाँ आ चुका है मेरे साथ। आप मेरे पासपोर्ट बनवा सकते हैं? बनवा सकते हैं, जाना कहाँ है तुमने? यूके चले? अबे जा यार, यूके ये पड़ोस में यूके है, एक दिन में पासपोर्ट बनता है। मगर वो जरा इसके लिए मैं तैयार हूँ।
तुम्हें तो पता है बगैर रिश्वत के काम होता नहीं है, मगर सुकून की बात यह है कि पासपोर्ट ऑफिसर मेरा दोस्त है, 500 रुपए लेता है। चलो तुम्हारा काम मैं 200 में करा दूंगा। 200 में हो जाएगा? निकाल यार, देर हो रही है। अच्छा, तब बंद हो जाएंगे। चलो। जानते हैं मैं कौन हूँ? आप बेचारे मुझे कोई जरूरतमंद मालूम होते हैं। मैं पासपोर्ट ऑफिसर हूँ। मुझे राशि बनाकर तुम लोगों को लूटते हो, मैं भी तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूँ। मैंने तो ये अर्जेंट फीस ली है, आप तशरीफ रखिए, मैं खुद पुलिस को बुला के लाता हूँ। फ्रॉड कहें बेटा, आओ आ जाओ। आज से तुम्हारी बीवी कहाँ है? बीवी? कौन सी बीवी? तुम यही कहकर लाए थे ना कि तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है और घर में कोई नहीं। तुम्हें तो पता है मेरी मजाक की आदत है, अगर मैं ये नहीं कहता तो तुम नहीं आती। वैसे रिता, यकीन जानो मैं कैरेक्टर का बेहद अच्छा इंसान हूँ। तो तुमने झूठ बोला। लो अब सच बोले देता हूँ रिता, मैं बेहद कमारा हूँ। यकीन जानो इस भरी दुनिया में मेरे कर्जखानों के अलावा मेरा कोई नहीं। तो फिर? फिर अगर तुम्हें फुर्सत हो तो मुझसे शादी कर लो। शादी? कहता हूँ मैं सारी तनख्वाह हर महीने की पहली तारीख को साल में एक बार तुम्हें दे दिया करूँगा। अब समझी? बहुत लेट समझी हो। तुम सवारे हो? बे इंतहा। ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर पीछे ही पै गई है। ये दरअसल मेरे मामू की भांजी की भतीजी है। कहाँ है? इस बिचारी का इंतकाल हो गया। इसे पराई स्पोर्ट्स कार चलाने का बड़ा शौक था। 100 मील की स्पीड से चली जा रही थी, सामने से एक छोटा सा ट्रक आया, इसने उसके नीचे से निकालने की कोशिश की और वहीं फौत हो गई। मैं इसीलिए भेजा था कि मेरे बारे कमबख्त के साथ रंगाइयां बनाओ, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। यूरी कर रहा था तुझे, मेरा ही घर मेरा था बर्बाद करने का, मेरे इसमें कोई फौल नहीं। कौन सी बच्ची? मैं तो तुझे अभी बताऊंगी। क्यों मियाँ, ये क्या हरकत थी? देखो जी, तुम्ही तो रोज कहती थी कि एक नौकरानी चाहिए। मैंने सोचा है कोने में पड़ी रहेगी, घर का काम काज भी करेगी और तुम्हें भी रोज मैके जाने की आसानी रहेगी। मैके तो मैं बाद में जाऊंगी, चलो पहले मैं तुम्हें ससुराल तो दिखा दूं। बगैर बैंड बाजे के यार बस का इंतजाम कर लूंगा। माफ करना यार, आज आके देर है। सारे मोहल्ले की नजरों में आ गया हूँ खड़े खड़े। चलो अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से गाड़ी में बैठो। अच्छा लाओ फिर 2 1 50 रुपए। इस बात के? इस गाड़ी में बैठने का, तुम तो जानते हो 85 के बगैर अपनी गाड़ी एक कदम भी नहीं चलती। कम वक्त तुझे किसने कहा था बीजी के निकालना में रोज 50 रुपए जेब खर्च लिख के देना? तो सर ने। अब बताओ कहाँ चलना? यार मैं भी सोच रहा था कि अब चलकर सासर के पास बैठ के कुछ मूड बने। तो फिर गाड़ी को शाही महल की तरफ मोड़ लीजिए, आपको उसी के कसाब खाने के लिए चलते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि वो क्लब की परमानेंट मुलाजिम नहीं है, कोठे का सामान है। चलिए हनुमान भाई, आज तो आप बड़ी शबा बाबत लग रही। आइए मुखली साहब, कैसे आना हुआ? बस आपका खुलूस खींच लाया, आज आपके लिए एक तुम बिल्कुल नहीं देता। समझ गई। तो फिर नोट छापी और 1 50 का इधर बढ़ा दीजिए। कमीशन? कमीशन कैसी? 250 रुपए की विस्की पिलाई है तब सीढ़ियां चढ़ी है उसने, राय खोलिएगा। आइए डिजाइन देख लीजिए जरा। हलवाज भाई, इब्ने रईस, इब्ने रईस, अच्छा वो क्लब में मुलाकात हुई होगी? जी नहीं, उससे भी पहले। तो फिर कभी बेपर्दा ख्वाबों में से गुजर गए होंगे। अजी साहब, जब कोई लड़की जवान होती है तो रईसों की महफिल तक खबर पहुंच जाती है,
और जब आप में से कोई आशिकी की नियत करता है तो हमें इतला हो जाती है, और ये काम हमारे और आपके दलाल करते हैं। अच्छा जी, बहरहाल छोड़िए इन बातों को, आप तो यहाँ शीशी रखवाइए और कुछ टांगे रखवाइए मुर्गे की। जी नहीं, आज कोई आने वाला है। कौन? एक मलिक साहब। शब्देदारी के लिए? जी नहीं, वो गाने की हद से आगे नहीं बढ़ते और और आप शॉपिंग की हद से आगे नहीं बढ़ने देते। जी हाँ, परसों ही थे और जी त्योहार हम भी मनाते हैं। अलमाज भाई, ये शेर साहब की सरासर तौहीन है। अभी तो जम के बैठे भी न थे कि आपने रकीब पैदा कर दिया। जी नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। अरे साहब, हम भी इसी बाजार में गरीब हुए हैं, हम सब समझते हैं। शॉपिंग आपको शेर साहब कराएंगे, आज कराएंगे और अभी कराएंगे। इस मरता ईद आप हमारे साथ मनाएंगे और बकरीद आप मलिक साहब के साथ मना लीजिएगा, और खाल उनकी अंजुमन तहफ्फुज़ बूढ़ी तवायफीन को दे दीजिएगा। ठीक है? जीते रहो बेटे। ये क्या है अम्मी? परसों ईद है ना, मैं तुम्हारे लिए ईदी लाई। कैसी तकलीफ की है अम्मी, यहाँ किस चीज की कमी है? अरे कमी किसी के पास नहीं होती, ये तो माँ के दिल का अरमान है। और सुनो आसिफ का जी, वो दफ्तर गए हैं। आप बैठे ना अम्मी। अच्छा, उसे साथ लेकर ईद के दिन मेरे यहाँ जरूर आना, मेरी भी ईद हो जाएगी। अम्मी शायद वो ना आ सके। क्यों बेटी? उनके अजीज दोस्तों का आना जाना रहेगा और दिन तो इसी मसरूफियत में गुजर जाएगा। अम्मी सुरैया, तो यहाँ खुश तो है क्या आपको मेरे चेहरे पे गम के आसार नजर आए? बेटी अम्मी, जब आपकी दुआएं कदम कदम पर मेरे साथ हैं तो फिर मेरे खुश ना रहने की वजह क्या हो सकती है? आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं बेटी, अब मैं चलती हूँ, घर अकेला है। लेकिन अम्मी कोई बात नहीं, फिर किसी वक्त आ जाऊंगी। अच्छी बात। जीती रहो बेटी, तुम हमारी 10 बेटियों की तस्वीर हो जो ससुराल आकर ससुराल के दिए हुए हर दुख को सीने में दफन कर लेती है और मैके वालों के सामने हर की शिकायत तक जबान पर नहीं लाती। मैंने अपना फर्ज अदा किया है बजान। तुम्हारी सास कहाँ है? ईद के लिए शॉपिंग पे गई है। तुम्हें साथ लेकर नहीं है? अगर मैं भी चली जाती तो घर के काम काज कौन करता? मेरे सामने उनके रवैये पे पर्दा डालने की कोशिश मत करो बेटी। मैं जानता हूँ आसिफ तुम्हें साथ ले जाने की जरूरत नहीं समझता और सास तुम्हें नजरअंदाज करके गई है। तुम मेरे साथ जी, वो किस लिए? ईद के लिए अपनी मर्जी शॉपिंग कर लेना। मगर अब्बा जान, मेरी मर्जी पूरी नहीं करेगी बेटी। क्यों नहीं? साथी लड़की कौन? हो सकता है उनके कॉलेज की साथी हो। नहीं, ये कॉलेज की साथी नहीं हो सकती, मुझे तो कोई तबाइश मालूम होती है। घर आएंगे तो पूछ लीजिएगा, चलिए शॉपिंग करें। मेरे बारे में ऐसी खबरें आपको कौन देता है बच्चा? मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? तुम इज्जत का मजाक उड़ा सकते हो। तो आप क्या चाहते हैं? अपने बहते हुए कदमों को संभालो आसिफ, तुम एक शरीफ व्यक्ति का सुहाग हो। तुम एक नाचने वाली की दहलीज पर बिखर जाओ, ये मेरी जिंदगी में नहीं होगा। ये मेरा जाती मामला है बच्चा। मैं पूछता हूँ उससे क्या मिलता है? नहीं आसिफ, बेराह रवि का शिकार होकर रूह मरती है तस्कीन नहीं। बेनसीब, तेरी इज्जत तेरा सुकून तेरी बिल्ली के आंचल में है, उस नाचने वाली के घूमने की झंकार में नहीं। अपने अच्छे बुरे को सदैव समझता हूं,
अरे बुरे दिन आने की यही तो पहचान है आतिफ, कि इंसान को हर बुरी चीज में अच्छाई और हर अच्छी चीज में बुराई नजर आने लगती है। अपनी जिंदगी में आने वाली गर्दिश को आवाज न दे आतिफ, सुरैया के मासूम दिल पर तरस खा, इसे अपनी बेरुखी की आग में न जला वरना बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा। अगर ये घर में कुछ नहीं है भजन तो मैं इसे तलाक औरत की अदाओं के गोरे धंधे में फंस कर ये तू इसके लिए कह रहा है इसे अपनाने की सिर्फ तू होगी। तू अगर इससे शादी करके इससे कोई इंतकाम लेना चाहता है तो ये मैं नहीं होने दूंगा, ये मैं नहीं होने दूंगा। क्या लिखा है उसी लिखा है कि मेरी सारी जायदाद मनकूला बगैर मनकूला की मालिक मेरी बहू सुरैया बेगम लाइए। आप यहाँ पर दस्तखत कर मेरा एक ही सहारा था वो भी छिन गया। मुझे हमसायों से पता चला बेटी, किसी ने इतला ही नहीं की। इतला कर भी देते तो तुम उन्हें जीता कर लेती। क्या कह रहे हैं आप? अगर ये सदमे से आके बहाने आई हो कि तुम्हारी बेटी जायदाद की मालिक नहीं बन सकी तो जिंदगी भर आगे बाकी रहना। आपने हमें गलत समझा है कि मरने वाले उसके बाद की जगह थी। का मतलब मैं तुमसे ज्यादा गलत नहीं समझी। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आपने इसे बहू नहीं खैर समझा। गले लगाओ, मैं कहती हूँ आसिफ के अब्बा की मौत की यही जिम्मेदार है। अगर आपके ख्याल यही है तो मैं सुरैया को ये नहीं रहने दूंगी। नहीं माँ, चलो सुरैया मेरे पास चल बेटा। तुम बेटी की माँ हो, हर बेटियों की माँ दी हुई चीजें वापस नहीं लिया करती। तुम घर जाओ माँ और मेरे लिए सिर्फ इतनी दुआ मांगो कि मेरी बदनसीबी की वजह से इस घर पर कोई आज ना आए। और इसे ये भी कह दो मगर मत के आके बहाने यहाँ ना आया करे। मेरी आंटी, मेरी माँ, मेरी माँ याद नहीं है। माफ कीजिए मैं क्या हो? कौन सा मेकअप इस्तेमाल करती हैं? आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे आपको इस उम्र में जिस कदर तबाहकुन, जिस कदर पताखा, जिस कदर तमंचा, जिस कदर खूबसूरत होना चाहिए था उस कदर आप हैं। आपको इसका मतलब? मेरी खाला यूरोप से एक ऐसा मेकअप जिसे इस्तेमाल करके 50 साल की गुड़िया 25 साल की गुड़िया हो जाती है और 25 साल की गुड़िया अगर इस्तेमाल कर ले तो 5 साल की बुढ़िया हो जाती है। भाई ईमान से अगर आप इस्तेमाल करेंगी तो इसी 16वें साल में आपकी तनख्वाह बढ़ जाएगी। बस उनसे ये मेकअप कैसे ले सकता है? इसके लिए आपको मेरी खिदमत हासिल करना होगी। निकालिएगा 50 का नोट, कल आप जमा करेंगे होंगे। मुखलिस चेक करो। मुखलिस सर वो आ गया, कुछ 5 मिनट पहले नहीं आगे। बकवास बंद करो, तुम हमारे सेक्रेटरी हो चपड़ासी नहीं, और तुम्हें बड़ी महत्वपूर्ण तनख्वाह मिलती है मुखलिस। तुम्हें ये हेरा फेरी करते हुए शर्म नहीं आती? प्रैक्टिस के तौर पर कर रहा हूँ। सही याद आया, आपके वालिद साहब का भी नया नया इंतकाल हुआ है तो सारे कैश के तो आप ही मालिक हैं। तो आपके काली से कुछ दोस्त आए थे तो कह रहे थे कि उस कैश में से आप उन पर कुछ खर्च करते। क्या मतलब? मतलब ये कि आप वो बहुत ही शानदार किस्म की पार्टी चाहते हैं। पार्टी चाहते जी? हाँ हाँ, पार्टी जरूर होगी और आज होगी। और यार आखिर बाग की दौलत मिलते ही कंजेस हो गए। वो कैसे? आसिफ अगर जश्न ही करना था तो महफिल को रंगीन बनाया होता। इसे दीगे फरेब की रा होती, रक्स का सोना होता।
तकलीफी साहब होती तो मजा आ जाता। अरे भाई मैं इस इंतजार में था कि तुम लोग तेरा रंग पे आ जाए। रंग पे यहाँ गाना भी होगा और नाच भी। क्यों मान ल जिंदाबाद भाई। रंग की बात तो यह है कि अब तो हम लोग भंग पे आ चुके हैं, कोई शुरू कराओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम लोग इन्हें इलेक्शन में खड़ा कर दोगे जिंदाबाद। यार कोई जोर है भाई अंदर है। अरे अभी तो यहाँ पूरी हीरा मंडी शिफ्ट होनी है। जब रईसों के बच्चे यतीम हो जाएं तो फिर बाइयां ही उनकी सरपरस्ती करती हैं। ठीक है। फिर खाली हाथ आ गए। थोड़ा सब्र करो, इंतजार करो, वापसी होगी। लो वो आ गई। दोस्तों अचानक ये वही है जिसने एक बार मुझे थप्पड़ मारकर जलील किया था और मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि इससे इंतकाम लूंगा। आज उस वक्त तक नाचेगी जब तक मैं चाहूंगा। ना तो चुड़ैया। चुड़ैया नहीं, चुड़ैया आसिफ है। मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं दिया, तुम सिर्फ मेरी कनीज हो। नाचो। समझो रिश्ते में सब भाई लगते हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ हमारे घरेलू झगड़े के तमाशे तुम न बनो। चले जाओ यहाँ से। आज शराब के नशे में मुझे तुम्हारे सामने नाचने का हुक्म दे रहे हैं, कल शराब के नशे में अपने सामने बीवियों को चुराने की फरमाइश करेंगे। चले जाओ। मैं कहती हूँ चले जाओ। चलो। तुम मेरी तरफ से आए हो, तुम यहाँ से चले गए मेरी तरफ। बैठ जाओ। तमाशा जरूर होगा। मैं कहता हूँ ना चलो ना जाओ। अरे मुंह क्या देखती हो। मैं कहता हूँ ना जाओ। अगर तुम्हारा यही हुक्म है आसिफ तो फिर तुम्हारे दोस्त किसे, तुम्हारी बीवी ना के लिए घर की इज्जत ना के लिए सैयद सुलेमान की पराजित। जाओ आइए सर। ठीक कैसे आना हो सुरैया की माँ। अब इस मकान को खाली कर दो। नहीं अब कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं, अदालत से कुर्सी लेकर आया हूँ। ऐसा जुमला करें सर जी, मैं यहाँ से निकल कर कहाँ जाऊँगी। ये तो तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जब इस घर को गिरवी रखकर अपनी दोपहर नेक अपनी शादी खाना आबादी कर रही थी। वो मेरी मजबूरी थी। वो तुम्हारी मजबूरी थी तो ये हमारी जरूरत है। हाँ तू असल से क्या, तू भी देने के काबिल नहीं है। चलिए साथ का तमाम तो पता करना। सुरैया मेरा सर नंगा क्यों है, आंखों में आंसू हैं, अकेले क्यों आई है। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है। क्या कह रही है सुरैया ने मेरा कौन है माँ। लेकिन सुरैया अभी तो तेरी शादी का कर्ज उतारने के लिए मुझे इस घर से निकलने का हुक्म मिला है। उन्होंने तुझे कैसे निकाल दिया। प्यासरा माँ के घर आई बता तुझे साथ लेकर कहाँ जाऊँ, कहाँ घर से जाऊंगी, कहाँ से सुकून दिल ले
और तुझको जमाने से ये दौलत मांग जाकर शाह यसरब के खजाने से आ मांगने वाले तू अपनी झोली को जरा फैला तो सही मांगने वाले तू अपनी झोली को जरा मांगने वाले तू अपनी झोली को जरा सब दिल की मुरादे पाएगा सब दिल की मुरादे पाएगा दरबार नबी तक जा तो सही दरबार नबी तक जा तो सही दरबार नबी तक जा तो सही है मांगने वाले काम बनाएगा हर बिगड़ा काम बनाएगा नाम उसका हर बिगड़ा काम बनाएगा बारे आपको भुलवाया महबूब खुदा के आगे तू महबूब खुदा के आगे तू कुछ दिल का हाल सुना तो सही महबूब खुदा के आगे तू कुछ दिल का हाल सुना तो सही मांगने वाले तू अपनी जोड़ी को जरा सब दिल की मुरादे पाएगा सब दिल की मुरादे पाएगा सब दिल की मुरादे पाएगा दरबार नबी तक जा तो सही दरबार नबी तक जा तो सही करता है करम
कमारा कोई सब कुछ बल बल ओला से कमा नहीं कचबा तो जाते जा नहीं अचन जमीओ के जा नहीं कल्लू वाले है वहा नहीं पर बारे नबी तक जा तो सही दरबारे नबी तक जा तो सही बख्शिश भी इनायत भी बख्शिश भी इनायत भी रहमत भी शबात भी रहमत भी शबात भी जो मांगिए मिलता है जो मांगिए मिलता है दरबारे मोहम्मद से दरबारे नबी तक जा तो सही दरबारे नबी तक जा तो सही दरबारे नबी तक जा तो सही मांगने वाले तू अपनी जोड़ी को सरा सहरा तो सही है मांगने वाले क्या दुख लेके आई हूँ तुम्हारे आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते माँ बाप का साया सब देख गया है औलाद से गोली खानी है या शोहर ने घर से निकाल दिया हमें इसलिए गई कि हमारे मुआशरे में औरत को इन दुखों के अलावा तकदीर का दिया हुआ और कोई दुख इस तरह नहीं दिला सकता मेरे साथ मत ये सवाल मुझसे यहाँ मत करना अगर रिश्ता कायम करना पसंद हो तो एक बहन कह लो अगर दिल में मानो तो एक औरत समझ लो इस यकीन से मेरे साथ चलो कि मैं तुम्हें इस मुकद्दस जगह से लेके जा रही हूँ अगर तुम्हारे साथ जाती करूँ तो इस दर से पाऊँ चलो बहन चलो ना क्या मैं पूछ सकता हूँ जनाब कि पुलिस के जरिए यहाँ क्यों जलील किया गया तुम्हारा नाम मुखलिस है हज मुखलिस हमें तुम्हारे मुल्कों से इतराज थी अच्छा अच्छा पुलिस में भर्ती करना चाहते मैं अच्छा कोई मेडल वगैरह देना चाहते हैं तुम्हें अंदर करना चाहते हैं किस खुशी में तुम लोगों से पैसे बटोरते हो मार खाते हो काम का लालच देकर लंदन मस्कत और दुबई भेजते हो अरे साहब मैंने तो आज तक किसी को काला शाह काकू नहीं भेजा वो कोई और होगा बनने की मत करो मैं जानता हूँ वो तुम हो आपको मुगालता हुआ है ये रहा मेरा शनाख्ती कार्ड ये रहा मेरा दफ्तर का कार्ड और ये रहा मेरा शराब का परमिट मैं इंतहाई शरीफ आदमी हूँ लोगों की खिदमत करता हूँ और अपने महल्ले से इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ आप मेरा किरदार क्यों खराब कर रहे हैं आई एम वेरी सॉरी मिस्टर मुखलिस आप वो नहीं है जो हम समझे थे आप जा सकते हैं और देखो किसी को शुबे में पकड़ने से पहले ही उसकी पिटाई ना शुरू कर दिया करो मैं इन्हें समझा दूंगा अच्छा एक आ सिगरेट तो दीजिए पूरी डिबिया ही ले चले अरे साहब दो चार तो हैं उसमें पूरी डिबिया मैं आपको बाहर से भिजवाता हूँ अच्छा नहीं क्या दे गए तुझे इसके बात को मैंने अपनी पत्नी से भी एतराज किया है सवाल बनने का नहीं सुनो बहन वाह बहन भी कहती हो और हमदर्दी भी जताती हो और मुझे दवाई बनाकर मेरी कमाल भी खाना चाहती हो नहीं नहीं बहन मुझे गलत मत समझो मैं तो तुम्हें तुम्हारे शोहर से मिलाना चाहूंगा ये पैसे मुझसे है वो तो जरूरतमंद है टीवी को तवायत के रूप में देख कर उसका खून तो कर सकता है लेकिन उसे कहीं नहीं लगा सकता तुमने घर की चार दीवारी देखी है कोठे का माहौल नहीं इसलिए तुम नहीं जानती कि यहाँ आकर बड़े बड़ों की गैरत को कितनी जल्दी नींद आ जाती है जानती हूँ कि शरीफ लड़की तैयार होने का तस्वीर भी नहीं कर सकती लेकिन याद रखो सूली एक चढ़ता है मिसाल एक कायम करता है निजात लाखों की होती है नहीं बात पहनो और बीवियों पर जुलम करने वाले उन शोहरों को जब बता दो कि बाज आ जाओ अगर तुम सीधे रास्ते पर नहीं आए तो तुम्हारी बीवी तुम्हारी जिंदगी के इस मकाम तक भी पहुंच सकती है हेलो बॉस अरे कहाँ थे बस ऐसे ही जरा खिलाफन थाने चले गए थे थाने हाँ वो SHO अपने दोस्त हैं हमारे मोहल्ले में एक बड़ी भी हैं तो मोहल्ले के लड़कों ने उनके घर में कुछ ईंटें फेंकना शुरू कर दिए थे
ये क्या है? बीवी को घर से निकाल के अब आपने दिन में भी पीना शुरू कर दिया। अरे उसका नाम मत लो, ये पढ़ो। ये क्या है साहब? शादी का दावतनामा। दूसरी शादी के कार्ड छपवा रहे हैं। अरे पढ़ो तो सही, इसमें क्या लिखा है? हाँ हाँ, अल्म का दावतनामा। फरमाती हैं, हुजूर वाला, आज शाम इस नाचीज के कोठे पर तशरीफ लाकर मुजरे में शिरकत फरमाइए। अल्लाह आपको इसकी जगह देगा, फकत आपकी और सिर्फ आपकी। अलमास बहुत खूब, पहले हम लोग जाया करते थे, अब तो दावतनामे आने लगे हैं। चलना चाहिए। चलना क्या चाहिए, तुम्हारा रहना शुरू कर देना चाहिए। और वैसे भी शुरफा का कायदा है कि शरीफ तवायफों का महीना बांध दिया करते हैं। और एक और खूबी है इनके यहाँ, सुना है इनके यहाँ का शोरबा बहुत अच्छा होता है, जरा वो भी पी के देख लेंगे। अरे जी भर के पी लेना, पहले आज शाम की महफिल का रंग तो देख ले कैसा है। ठीक है बेरा। यस सर। देखो भाई साहब के अकाउंट में एक बड़ा पैक लिया और कोठे के लिए एक बोतल भी लिया। बहुत जरा आंखों में रंग भरे तो कुछ उनका रंग देखें। पान तैयार हो गए? बिल्कुल तैयार है जी, ये लीजिए। आदाब। क्या बात है अलमास भाई, बड़े छांगे जमा किए हुए हाउसफुल जा रहा है, किस्सा क्या है? किस्सा भी बताई देते हैं, आप तशरीफ करो। मेरे सबके मेहमान, मेरा एक मुख्तसर सा रुका पाकर आप खींचे चले आए, जिसके लिए मैं आप सबका दिले जान से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आपको जहमत देने का मकसद क्या था, तो मेरे कदरदानों, आज मैं आपकी अदाशनाज नजरों के सामने एक हीरा पेश करना चाहती हूँ। तो फिर इंतजार किसका है? अभी पहली बार इसकी रूनुमाई की जाएगी। सोचती हूँ ये रस्म अदा करने का फर्ज किसको सौंपा जाए। आप पर्दा उठाइए। दौलत सिंधी बन की मुझसे इंतकाम लेना चाहती है। यह हाथ तुम्हारी दीदी से बेच सकता है, लेकिन इस्तेमाल से नहीं। ये हाथ मैंने अपनी दीदी का खाया है, किसी दास से नहीं। कौन दीदी? किसकी दीदी बाजी? ये कुत्ता कौन है, इससे मेरा तारुफ कराओ। आसिफ साहब, ये मेरी बहन है नरगिस। ये झूठ है। ये सच है। हो सकता है आपको इसकी सूरत से किसी और का धोखा हुआ हो। धोखा निकाल सकते हैं। इतना तो सोचिए, अगर आपसे इसका कोई रिश्ता होता तो मैं इसकी रूनुमाई आपके हाथों करवाती, आप गोली ना मार देते मुझे। बेशक अलमास भाई ठीक कहती है, आपकी किस्मत घर से भागी है तो उसे कई बार ढूंढिए, हमारा मजा क्यों खराब करते हो। आसिफ साहब, अपनी बेजा गैरत को थोप दीजिए और ये सोच कर तशरीफ रखिए कि ये चिरागे खाना नहीं शमा महफिल है। Oh, my God.
वो पहले तुम्हारे पास आया करते थे। अरे पगली, यहाँ जो भी मर्द आता है अपनी बीवी को रात के सुपुर्द करके आता है, इसलिए हमें पहले ही दे जाते हैं कि यहाँ जो भी आए उसके बीवी के साथ की हुई बेवफाई का इंतकाम लिया जाए।
मैं कैसे मोहब्बत की जाए? तुमने जिंदगी के बड़े मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सोचती हूँ जिसके खातिर ये सब कुछ किया है वो दोबारा यहाँ आएंगे। आसिफ यहाँ बार बार आएगा मगर उसके ये मानने में वक्त लगेगा। तुम उसकी बीवी नहीं मेरी बहन हो। हिम्मत से काम लो। बीवी बनकर जिस दिन में तुम घर ना कर सके गायब का रूप धार कर उसके जहन पर छा जाओ और उसे इतना बेचैन कर तुम इतना बेचैन जितना उसने तुम्हें तक पाया। बहुत ही अच्छी पिलानी। क्यों मैं तो परिंदा भी पार नहीं मार सकता। तुमने यहाँ आने की जरूरत कैसे की? देखिए परिंदा तो पर नहीं मार सकता मगर मैं कोई परिंदा तो हूँ नहीं। मैं तो हूँ आपका देवर मेरी भाभी। क्या बक्से हो कौन देवर कैसे भाभी? देवी साहब इस रूप में आप अपने शौहर को तो बेवकूफ बना सकते हैं लेकिन वो शख्स जिसका पेशा ही बेवकूफ बनाना हो उसे आप क्या बेवकूफ बनाएंगी? माफ कीजिएगा जी गुस्सा न करिए। समझ गई। जितने रुपए कहोगे मैं दूंगी मगर वादा करो आसिफ को कुछ नहीं बताओगे। मैंने ये सब कुछ अपने शौहर को सीधे रास्ते पर लाने की खातिर किया है। अगर तुमने उसे बता दिया तो वो मुझे दलील तो करेगा लेकिन लेकिन मैं उसे हासिल नहीं कर सकूंगी। चलो उठा के नहीं लेते जरूर सोच क्या रहे हैं? सोच रहा हूँ गो के मैं एक अच्छा आदमी नहीं लेकिन आपके आंसुओं में डूबे हुए जेवरात उठाने की हिम्मत नहीं पड़ती। अगर आप अपने शौहर को सीधे रास्ते पर लाने के लिए इस मुकाम तक पहुंच सकती हैं तो मैं अपनी भाभी को जो मेरे भटके हुए दोस्त की इज्जत भी है उसके लिए क्या कुछ नहीं करूंगा। तो फिर आप वादा कर रही हैं ना? मैं वादा करता हूँ मैं उस वक्त तक चुप रहूंगा जब तक आप अपनी जबान नहीं खोलेंगे। शुक्रिया मुकेश साहब आज पता चला है बाकी मुकेश है आपके सीने में भी दिल है। हाय मेरा दिल। शादी को नरम से भरने वाले क्या जख्म लगा है तुम्हारे दिल को ये जानना आपके लिए जरूरी है। क्या होगी मेरे बच्चे को? वो अभी तक नहीं आए। यकीन रखो आसिफ साहब की रात में अंगारों पर गड़ी हो। दीदी जी आसिफ साहब आए हमसे कहते हैं कि वो सो रही है रात को आए। जी बेटा मैं तो समझी थी तुम तड़प कर उसकी गोद में जाकर रोगी दिल काफी मजबूत है तुम्हारा आप ही का दिया हुआ सबक है बाजी। वो इस वक्त सो रही है रात के वक्त मिलेंगे। आप
लगता है रात के ब्याह से तसल्ली नहीं हुई आपकी। उससे अपनी बहन साबित करने के लिए कॉर्पोरेशन का रजिस्टर पेश करूं या 10 पीस गवाह? तो फिर इस वक्त पिछले जाने की वजह? मैं लाकर भगाने का इरादा है क्या? पसंद आ गई है? अगर मेरी बहन चीज ऐसी है तो वो सिर्फ तीसरे प्यार आ चुके। वादा करें कि आपको ये पैगाम कबूल नहीं करें। ये तो खुली मंदी है साहब, किसी से भी बात हो सकती है। अगर वो किसी का रीजन तो मैं बर्दाश्त करूँ। ओहो, तो नौबत यहाँ तक आ पहुँची है। जाइए आसिफ साहब, रात को तशरीफ लाइएगा। जी, उस वक्त तो नजरबाजों का हजूम होगा। इत्मीनान रखिए, बुरी नजर का साया देना होगा। अलवाद भाई। वो आ रहे, जल्दी से नाटक शुरू कर दो नाटक। तुझे मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा। छोड़ इसे। कैसे छोड़ दूं? छोड़ बाबू, उसका घर मुझे पी के घर आ जाना। बचाओ। क्यों बचाओ? कैसे बचाओ? नहीं, छोड़ दो इसे। क्यों छोड़ दो? ना बचाओ। बचाओ। क्यों बचाओ? नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और अगर सगा होता तो आप क्या कर लेती? ये इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते। देखिए साहब, मैं अपनी जवानी और पैसा इसकी माँ के ऊपर बर्बाद कर चुका हूँ। अब मुझको तो ठहरा नसीब नहीं, और ये लोग खा रहे, मुड़ गए, चल गए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो बात नहीं, सौदा करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। चल रहे प्लीज बचाइए मेरी बहन। देखिए जी, आप बाप और बेटी के मामले में बोलने वाले कौन होते हैं जी? हटाइए अपना हम दबदबा खाना यहाँ से। देखिए साहब, मैं तो इस बच्ची का एडवांस ले चुका हूँ। मैंने तो इसे किसी बहुत ही अच्छी जगह रखकर वहाँ से भेजना है नाल जेवरात। बकवास बंद करो, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। जी, पुलिस में जाकर क्या कहोगे? ये तुम्हारी बीवी लग दी है। और जी, ताल्लुक जाहिर किया तो इज्जत खाक में मिल जाएगी। वो क्या इरादा है जनाब? मगर आइंदा तक रुख ना करना, समझे? ओ जी, ये पाबंदी तू ना लगाओ, कभी कभी बंदे में जरूरत पे ही जान ली है। सलाम अलैकुम। एक सालीन बाप से निजात दिलाकर एक अयाश मत का एहसान मन कर दिया है। अब ये मुझ पे बीवी होने का दावा करेंगे। अगर मुझे इसी तरह बापू और शौहर के हाथ में खिलौना बनना है तो मुझे मार डालो। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, चंदन ने पहले तक नहीं सकता कि मेरी बीवी एक नया अंदाज के लिए जज्बा से खेल रही है। लेकिन इस वक्त जो कुछ मेरे कानों में सुना और मेरी आंखों ने देखा, उससे मुझे यकीन हो गया कि आपकी शख्सियत अलग है। क्या सच में आपकी बीवी की शक्ल मेरी बहन से इस कदर मिलती है? अगर आप भी इसे देख लें तो आपकी भी वही हालत हो जो मेरी हुई। लेकिन हम उनसे शोहर मेरा गुमान लेकर रहे, सिर्फ उनका प्रस्ताव अब करीब से मिलना चाहता हूँ। मगर कल रात। कल रात? जी, ये सिर्फ आपके लिए वक्त है। अगर निशाने पे नहीं बैठता तो हमारे तरकश में और भी बहुत से तीर थे। भैया, आपने तो कमाल कर दिया है। तो साहब, हम साहेब कमाल, मगर लोगों ने हमारी कदर न की। ये लीजिए अपनी अमानत। ये आपका इनाम है। मुझ पे हराम है, मैंने ये पेशा छोड़ दिया। इस पे सिर्फ आपका हक है, ये आपके शौहर का माल है। जरा मक्खी उड़ा दीजिएगा। खुदा का शुक्र है बेटे, आज तुम मुझे हंसी खुशी नजर आए हो।
जमीन पर एक रोज तो उतर गया मां। आज रात देर से आऊं और मुमकिन ना भी आ सकूं। आज मैं इंतजार नहीं कीजिए। इतने तमाम से कहां जा रहे बेटे? उस कारोबारी दोस्त ने दावत का इंतजाम किया है, वहां जा रहा हूँ। चक्कर आ जी तरह बेटे। खाना खराब जिसमें मुझसे ज्यादा नशा है। ओ
तो ये आपको नापसंद है? आपकी तो जिंदगी है। लो आज से जिंदगी जाम का नहीं, तुम्हारे हुस्न का नाम है। रात की बात का इस बार ही क्या, सुबह याद दिलाया तो कहेंगे छोड़िए रात गई बात गई। चाहो तो लिखवा लो, हम तुमसे इकरार वफा करते हैं। हमको इनसे वफा की क्या उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। नरगिस, हमारी हो जाने की कसम तुम खाओ, इस बाजार में बरात लेकर आने का वादा हम करते हैं। अब घर जाइए, किसी कोठे से इतनी रात गए उतर जाए तो शराफत के दामन पे बदनामी का धब्बा लग जाता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई जरा छुपा कर ले जाना, मेरे घर का किसी को पता ना बता देना, ठीक है? बहुत संभाल के। अरे भाई क्या बेच रहे हो? बेच नहीं रहे भाई, नापाक चीजों को घर से रुखसत कर रहे हैं। वो क्यों? आज सुबह का अखबार नहीं देखा? मुल्क में शराब बंद, क्लब बंद, इस्लामी हुकूमत आ गई है। अगर कोई लड़खड़ाता हुआ चलता हुआ नजर आया तो जुर्माने के अलावा कुछ कोड़ों की भी सजा है। और मेरी खाने पतली मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, और मेरा मशवरा मानो, तुम भी छोड़ दो। अच्छा? हाँ। आप फिक्र ना करें, हम तो पहले तौबा कर चुके हैं। वैसे आदमी आप तुम भी गौर शरीफ हो, और शरीफ आदमी कभी खुदा से नहीं डरता, कानून के डंडे से डरता है। हाँ चलो, ऑफिस से देर हो जाएगी। संभाल के। आसिफ साहब बोल रहे हैं, फरमाइए जी। उन्हें फोन दो। नरगिस तुम्हारा फोन। फरमाइए जी। आसिफ। पहचान गए। सलाम शौक। कबूल किया जी। आपके दफ्तर में आऊं? क्या तकलीफ है जनाब को? इज्जत अच्छाई होगी अगर रसवाई हुई। हम इसे भी तमका समझ कर अपने सीने में सजा लेंगे। जवाब दीजिए ना। चार दिन की आशनाई में बहकाने लगे मेरी बहन को, वो नहीं आएगी। मैं हाजिर हो सकता हूँ? हमारे दरवाजे हर वक्त खुले हैं, यहाँ आने के लिए चेस्ट दिल की जरूरत है, किसी इजाजत की नहीं। शौक से आइएगा। वो आ रहा है, बना लो इल्लू, कितना बना सकते। कहाँ हो? कौन लड़की? वो तो गई। अरे दिल संभालिए साहब, कहीं नहीं गई। तो फिर आप कैसे क्यों कहा? ऐसे आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लिया था। अगर मौत तो आके जाती फिर तो करने की कोई बात नहीं, मोहब्बत में मरने वाले मर के अमर हो जाते। अच्छा देवी बुला दी। नरगिस जहाँ हो गई, तुम तो मरने वाले आए थे। साथ क्या लाए हैं? शायद आपको क्या मालूम मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। देख ले। गॉड, ये कोई रंग है? ओके, आपको शायद पसंद आ जाए। माय गॉड, कितनी घटिया पसंद है आपकी। रहने दीजिए, रहने दीजिए, प्रॉब्लम है। नरगिस बिल्कुल मुझे तो इस तरह नहीं फेंके जाते। तो रख लो बाजी, चाहने वालों का मान सबके में चला जाएगा। अगर आपको ये ना पसंद है तो मैं की शॉपिंग ना, अगर आप इस शॉपिंग के बिल की बजाय नकल लेना पेश कर दिया तो मैं क्या करूंगी?
चली जाओ ना नरगिस। आप कहती है बाजी तो चल जाती हूँ, वरना चाहने वाले की कमी नहीं है। एक ढूंढो तो हजार मिलते। अलमास भाई, मुझे दौलत की कोई परवाह नहीं। मैं तो तुम्हारी बहन से ताल्लुक करके इस शहर के रईसों की इज्जत पर पाँव रखना चाहता हूँ। बोलो, क्या कीमत लोगी अपनी बहन नरगिस की? नरगिस को अपनाने की कीमत लाख है। ये साहब क्या लगते हैं नरगिस के? मेरी इज्जत है। बरदाश्त, इज्जत बाप के नाम से होती है, और जो बाप का नाम ना बता सके वो दिखती है, और दिखने वाली चीज इज्जत नहीं कर सकती। अब कोई तलाश देने का फैल लेकर यहां से चले जा। अब इधर का रुख किया तो तुम्हें तोड़ दूंगा। कोई बात नहीं अलमास भाई, इस जिल्लत का बदला जरूर लूंगा। मर्दान भी तो मुजाहरा तब कर गया, मगर आप जानते हैं इसका अंजाम क्या होगा? दिल के मामले में मैंने अंजाम को कभी नहीं सोचा। बात साहब बात, आप तो सूट की अस्सी तक यूसुफ खरीदने निकले हैं, आपको मालूम नहीं ये बाजार हुस्न है। मैं यहाँ के आयात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। तो 3 लाख का ग्राहक तो पहले ही मौजूद है। मैं आपको कल 5 लाख दे दूंगा। मेरी खातिर आप ही बर्बाद होते हैं। जिंदगी को नया अंदाज करने के लिए मेरी बर्बादी लाजमी है, क्योंकि जिंदगी बाकी है। हेलो, आबिद बोल रहा हूँ। सर साहब, वो मैंने तो मैनेजर को आपके पास पैसों के लिए भेजा था, वो अभी तक आया नहीं। आदमी पैसा लेकर यहाँ से रुखसत हो गया, अब तक पहुँचने वाला ही होगा। क्या सर, जी वो आ गया। शुक्रिया। हाई मैनेजर ले आया कब, मगर आपने ये कारोबारी बात नहीं, सारी जायदाद 35% सूद पर गिरवी रखी और मुद्दत लिखवाई सिर्फ 6 माह। इसके बाद जब वो चाहे सारी जायदाद नीलाम करवा सकता है। आपको अपने काम से काम रखना चाहिए, बाकी सोचना मेरा काम है, समझे? सलमास भाई, 5 लाख रुपये हासिल। बात साहब, आप तो कॉल के तरफ पक्के निकले। काफी रुपये लोगे, रुपये हाजिर हैं, पर किसकी भी जानी मांगती वो भी हाजिर थी। बाजी, एक बात समझ में नहीं आती, वो क्या नरगिस? इंसान के वो जज्बे जो बाजारी औरतों के सामने इंसानियत के मिराज बन जाते हैं, बीवियों के सामने कहाँ मर जाते हैं। बीवी हकीकत और साइज एक खूबसूरत धोखा होती है, मर्द हकीकत पे नहीं धोखे पर जान देते। खुदा ऐसे मर्द को पैदा क्यों करता है? कुछ औरतों को बीवियां बनाकर रुलाने के लिए और कुछ को पैसे बनाकर उनके नाज उठाने के लिए। मालूम होता है आपको किसी मर्द के हाथों तक गजर का हुआ है। अब देखिए आप क्या सुना देते हैं। रकम तो आपके सामने पड़ी है, अगर आप इजाजत दें नरगिस को बाहर भेजूं। हाँ, नरगिस इस माहौल में कुछ घुट के रहती है, मैं भी सोच रही थी इसे चंद दिन के लिए कहीं बाहर भेज। तो चंद दिन के लिए बाहर पे भेजना मेरा जाती बनता है। ठीक है, आप कल तशरीफ लाइएगा, नरगिस आपको तैयार मिलेगी। बात कर आपसे कल बता दी साहब, ये दुनिया बनने में भी 7 दिन लगे थे, समझे आप? जी समझ गया, कल हाजिर हो जाऊंगा। आसिफ कहाँ है? कारोबार में सर खपा रहा होगा बेचारा।
बाप के इंतकाल के बाद सारा बोझ ही पर आन पड़ा है। वालेकुम आवाज़ मियाँ। अम्मी भाई तबीयत कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं, जल्द ठीक हो जाएंगे। वैसे तुम भी इन्हें चंद रोज के लिए पहाड़ पे ले जाओ, वहाँ आबोहवा भी तब्दील हो जाएगी और माहौल। जी बहुत अच्छी, वहाँ के लिए दवाएं मैं लिख दूंगा। जी बहुत अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आशीष बेटी जी, हमारा मरी वाला बंगला खड़ा है, चले चलते। जी वो कल तो मैं कराची जा रहा हूँ मीजान, कारोबार के सिलसिले में चंद लोगों से बातचीत कर ली है, वहाँ से लौटा हूँ फिर आपको ले चलूँगा। अच्छा, जैसे चलिए। सांसों में है तू, है जाने वफा, आँखों में सपना तेरा है। महजदी तू मुझको मिल जाती कहीं, जाता ये दिल रहता क्यों, दूरी के दुख सहता क्यों। पहले है महजदी तू मुझको मिल जाती कहीं, जाता ये दिल रहता क्यों, दूरी के दुख सहता क्यों, दूरी के दुख सहता क्यों। पूरे न हुए पहले जो कभी, उन ख्वाबों ने दिल को घेरा है। सांसों में तू बदन मैं साया हूँ, फूल बका कलाया हूँ, तू है बदन मैं साया हूँ, फूल बका कलाया हूँ। Oh, my God.
तू मुझसे चोरी छुपे इसके साथ जहाँ रंगरलियां मनाने चला आएगा। कौन है ये और इन्हें इस तरह मुझसे बात करने का हक किसने दिया है? मेरा पूछे तो मैं कौन हूँ? ये मेरी माँ है। इनसे जलील कराने के लिए मुझे यहाँ लाए थे। क्या ये अपनी बहुत इसी तरह सलूक करती थी? ये मेरी तौहीन है। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी अभी और इस वक्त मैं यहाँ से चली जाऊँ। कोई बात मुझसे निकालने से पहले ये तो सोच लिया होता कि ये कौन है। ये कौन है? नरगिस। सुरैया से इसकी सूरत इस कदर मिलती कि जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं तुमसे ज्यादा बुखला गया था। ये क्या कह रहे हो आसिफ? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ। तुमने शादी कर ली? अभी नहीं। मगर मेरा मतलब है कि इसका हसब नसब क्या है? इसके वालदैन कहाँ है? इसका खानदान कैसा है? बहुत ऊंचा खानदान है माँ। इतना ऊंचा खानदान है कि लोग उसकी सीढ़ियों पर गर्दन झुका के चलते हैं। अच्छा? हाँ। सुनो बेटी, क्यों कुछ और जल्द करना है? नहीं बेटी, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। मैंने जो सुनो तुम्हारे साथ किया है ना, मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। हाँ नरगिस, तुम माँ की गलत समझ दूर करती है। चलो बेटी अंदर चलिए। कदे माँ आई गई थी तो तूने मुझे क्या इतला दी? विभवी गधों को माँ बहन की तमीजी कहाँ होती है। और फिर माँ का ये आर्डर था कि फौरन तैयार हो जाओ, और नौकरों को ये आर्डर था कि जैसे ही तुम कराची से पहुँचो फौरन तुम्हें यहाँ पार्सल कर दिया जाए। बस अल्लाह का शुक्र है वो मान गए, वरना निकाह से पहले तलाक हो जाती। अब हाथ ना उठाना। रमत रात ही छुट्टी करके चला गया है, उसकी माँ की हालत बहुत खराब थी। बेटी मैंने अंडे अपना फ्राई किए हैं। आपने फ्राई किए? हाँ, अंडे इसी तरह फ्राई किए जाते हैं। नॉन सर क्या की माँ है तुम्हारी? इतनी उम्र हो गई है अंडे बनाने का सही कदम नहीं जानती। बेटी मुझे जिनसे बनाना आता था मैंने बना दिया, ये खाने के काबिल नहीं। आप चाहती हैं कि मैं फाका करूं? वो मुरब करने की जरूरत नहीं, जल्दी रसोई चलते नाश्ता कर देते हैं। चलो चलो। देखा बेगम साहब, मैंने आपसे कहा था ना, बहुत ही ऊंचे घराने की लड़की है। अब बताइए ये कोई शराफत है कि इतनी महंगी प्लेट और यूं करके तोड़ दी? बांधने के लिए मिट्टी से गिरा कि मसनू फूल कुछ मुनासिब नहीं है, मत मान लिया खुद होकर आता हूँ। मगर यहाँ तो दूर दूर तक कुछ फूल दिखाई नहीं देता। जाने मन फूल तो क्या, तुम्हारे इशारे को तुम्हें जान दे सकता हूँ। तुम यहाँ ठहरो, मैं भी खुद होकर आता हूँ। शोहर बनकर भी कर सकते हैं।
नरगिस तू यहाँ खड़ी है और हमने तुम्हें तलाश करते करते 10 गैलन पेट्रोल फूंक दिया। तुम यहाँ किस लिए आए हो? सिर्फ तुम्हारे लिए। बहुत दिन गुजार लिए उस लौंडे के साथ, अब कुछ दिन हमारे साथ से गुजारो। उस दिन की जिल्लत भूल गए? भूल गया होता तो यहाँ तक तुम्हें तलाश करता करता कभी ना आता। चलो मेरे साथ। वापस भेज दो आसिफ। आज के बाद क्यों? नहीं ये बात नहीं। तुम्हें परेशान क्यों? सोचती हूँ, अभी तक तो तुमने माँ से झूठ बोला और उन्होंने मुझे किसी ऊंचे खानदान की इज्जत समझ कर गले भी लगा लिया। एक ना एक दिन तो मेरी असलियत खुलेगी जब उन्हें पता चलेगा कि मैं किसी शरीफ खानदान की इज्जत नहीं, तवाइफ हूँ। तो वो क्या सुलह करेगी? ये कहाँ है? नहीं माँ, ये मेरी मोहब्बत है। मैं इसे अपनी बहू नहीं मानूंगी। आपके मानने या ना मानने से मुझे क्या फर्क पड़ेगा? ये तेरी जिद है? नहीं, ये मेरा फैसला है। इसकी मोहब्बत ने तेरी अकल पर पर्दा डाल ही दिया है तो मेरा फैसला भी सुन ले आज़ीज़। हम दोनों में से तुझे किसी एक का इंतखाब करना होगा। वो तुझे माँ अजीज है या ये कहा है? ये मेरी जिंदगी है माँ। इसे जिंदगी समझा तो मुझसे रिश्ता टूट जाएगा। आप रिश्ता जानते हैं कि जिस चीज को मैं हासिल करना चाहता हूँ उसे पाने के लिए कभी नहीं सोचता कि मुझे क्या कुछ खोना पड़ेगा। एक कबाब के प्यार पर माँ को कुर्बान कर दिया? तो सुन आसिफ, आज से तेरे लिए माँ मर गई, लेकिन ये सदमा तूने मुझे नहीं दिया। उस शरीफजादी की आह मुझ पर पड़ी है जिसे घर से निकलवाने के जुर्म में तेरे साथ मैं भी शरीक हूँ। तुमने मेरी खातिर माँ को छोड़ दिया। नरगिस, तेरी खातिर तो शायद तुम जगह छोड़ दूंगा। आसिफ, अब हमें वापस चलना चाहिए, बाजी परेशान होंगी। वापसी पर तुम कोठे को ले जाओगी। वहां रहने को मेरा दिल कब चाहता है, लेकिन तुम माँ से झगड़ा कर चुके हो इसलिए अपने घर तो ले जा नहीं सकते। फिर कहाँ रखोगे मुझे? एक शानदार बंगले में। किराए पर लोगे? खरीद लूंगा।
और वो भी तुम्हारे नाम आसिफ मुखलिस। जी पूरे खुलूस के साथ हाजिर है जनाब। आप अभी शहर जाइए और नरगिस के नाम में खूबसूरत सा बंगला खरीद कर उसे तैयार रखिए। पैसे कहा नहीं क्या बात है। अरे भाई इस बंगले को बेच दो फिर यहाँ कभी आएंगे तो ठहरेंगे कहाँ। थोड़ी बेच रहे ओफो उसे करना मैं शुमार उठ लेगा। हाँ साहब आप ही जैसे लोगों के सर पे तो ये होटल चलते हैं जो अपने बंगले बेचकर होटलों का किराया देना अपनी शान समझते हैं। अच्छा आप तशरीफ ले जाइए और जिस काम के लिए आपको कहा वो काम कीजिए। मतलब आज बस एक ही बंगला खरीदना है। बेहतर गया शुक्रिया। मैनेजर बैंकों के तमाम अकाउंट्स लेकर हमारे पास आओ। दफ्तर का हर काम हमारे मशवरे से होगा। तमाम कारोबार की निगरानी आज से हम खुद करेंगे। कारोबार तो कब से ठप हो चुका है बेगम साहब। दफ्तर में ताले लग चुके ये रही इनकी चाबी। क्या मतलब। शायद आपको मालूम नहीं बेगम साहब आसमियत तमाम जायदाद गिरवी रख चुके बैंकों के सारा रुपया निकलवा चुके तनख्वाहें ना मिलने की वजह से तमाम स्टाफ जा चुका है। ये मनहूस खबर सुनाने के लिए शायद मैं बाकी रह गया। इसका मतलब ये हुआ बदनसीबी हमारा मुकद्दर बन चुकी है। वो आए घर में अपने खुदा की कुदरत है कभी हम इनको कभी विन को देखते हैं। रजिस्ट्री के कागजात ये रहे रजिस्ट्री के कागजात नरगिस के नाम। अब जरा हाथ नीच के खर्च कीजिएगा। ये आखिरी जायदाद थी जो बुनियाद समेत बिक चुकी है। चलो अरे साहब हमारा काम तो अब शुरू होता है। नरगिस ठीक है किसी अनारी ठेकेदार ने बनाया है कोई बात नहीं इसे गिरा कर हम नया बनवा लेंगे। हाँ 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 तुम्हें नया बनवा देंगे जिंदगी का आगाज अब शुरू हुआ है। मैं आपसे क्या करूँगा तुम दो बच्चों के साथ मैं इंतजार क्या करूँगी और नहीं क्या रहते थे आप है बहुत पकाते हैं। ये हकीकत है जिंदा में पहले भी था पर तब से तुम मिली हो जिंदगी सरों की बदल क्या है। अच्छा मैं ऑफिसर ऑफिस का रास्ता इधर है। सॉरी जजाब में आती तो भूल गया था कि अभी इसकी इजाजत आती है। संतानंद मिलने की वजह से एक एक करके सब चला गया था। वो मनीजर भी चला गया अभी इधर अकेला है सब कारोबार ठप हो गया सब। आदाब तुम यहाँ कैसे हो। क्यों इनके यहाँ आने पर कोई पाबंदी है क्या। पहले का मकान तुमने इसलिए लेके दिया था उसको मन लोग उसे तोड़ रहा। ओहो आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि आपकी देवी है। हाँ मैं लड़के से निकाह करना चाहता हूँ। निकाह आपसे या आपकी साखों से। सुन चुकी हूँ आपकी इज्जत के सिवा हर चीज बिक चुकी है। अब आपके पास कुछ नहीं रहा। मैं कुछ पागल तो नहीं जो खुद डूब रहा है उसका दामन पकड़ कर खुद भी बर्बाद हो जाए। क्या कह रही है तुम। हाँ मैं ठीक कह रही हूँ जो तुम्हारी बीवी नहीं बाजार की जिनत है। असलियत एक तमाश बिन जब अपने अंजाम को पहुंचता है तो सवाल भी अपनी असलियत पर आ जाती है। ये सिला किया तुमने मेरी वफा कहा
वफा वफा मर्द को नसीब हो जाए तो किसी बदनसीब बीवी का कदम अपने घर से बाहर कभी ना आए। चल जाओ, जब दौलतमंद हो जाओ तो फिर चले आना। तुम्हारे हालात बदले तो मैं भी अपना रवैया बदल लूंगी। आई से गेट आउट। हेलो हेलो, अब तो तवायफों से भी शराफत खत्म हो गई। बहरहाल जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है मेरे अलावा किसी ने नहीं सुना। वैसे इस कहानी का अंजाम यही होना था। मेरा कोई नहीं रहा मुखलिस, कोई नहीं रहा। अभी एक बचा है। अच्छे वक्तों में मैंने तुम्हारा बड़ा माल खींचा है। अब ये समझकर मेरे घर चलो कि मेरा घर अभी किसी तवायफ का घर नहीं है जहाँ से तुम्हें निकाल दिया जाए। आओ चलो। आप बैठिए, बस मैं आपके लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करता हूँ। बस कैसी बस। समझता रहा कि मैं ही बहुत दलील आदमी हूं, लेकिन तुम्हारी बकवास सुनकर पता कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा दलील लोग भी मौजूद हैं। कम वक्त उस गरीब को गम इतना था कि लुकमा भी उसके हलक से न उतरता। अगर वो तो घूट पानी के पी लेता तो हमारी इज्जत बढ़ जाती, लेकिन तुम्हारे होते हुए हमारी इज्जत कैसे बच सकती है। गलेजे पर पान लो वो रोटी जो उसे जाने पर मजबूर करके तुमने बचा ली है। कफन पर लगा लेना वो पैसे जो उसके चाय पानी पर खर्च हो जाते हैं। आज उसके लिए इस दुनिया का हर दरवाजा बंद हो गया है। न जाने वो बेचारा कहां गया। माफ कर देना, तेरा दिल दुखाने से मुझे काफी सजा मिल चुकी है। मैंने तेरे प्यार को स्वास्थ्य को बांध कर दिया था, आज उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। माँ मेरे गुनाह की वजह से आज दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। बेटा दुनिया का हर दरवाजा बंद हो जाए तो तौबा का दरवाजा और माँ के दिल का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आओ मेरे साथ। ये क्या कह रहे हैं आप? अजी सेठ साहब, त्वाइफ के चक्कर में इस तरह बर्बाद होते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। तौबा 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 तौबा। क्या मतलब? मतलब ये सेठ साहब कि आसिफ का कारोबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसने पहाड़ वाला बंगला बेचकर त्वाइफ को कोठी खरीद दी है, जहाँ तक मुझे इल्म है। इसके अलावा उसकी हर चीज आपके पास गिरवी पड़ी है। बाबा अच्छा किया जो आपने मुझे बर्वक्त बता दिया। अब अपनी रकम वसूल करने के लिए मैं उसकी हर वो चीज निराम करा दूंगा जो मेरे पास गिरवी पड़ी हुई है। मैं भी कोई मामूली व्यापारी नहीं। ये क्या कर रहे बेटा?
नोटिस आया है माँ। किसने भेजा है? सेठ ने। वो ये जायदाद नीलाम करना चाहता है। क्या होगा बेटा? तुम फिक्र ना करो, इस शहर में मेरे चंद अच्छे दिनों के दोस्त बाकी हैं, उनसे बात कर लेने दो। बाप दादा की जायदाद नीलाम नहीं होगी। सुनिए, अपने मरहूम दोस्त के बेटे होने के नाते से मैं तुम्हें 5 लाख तो क्या 10 लाख रुपया दे सकता हूँ, लेकिन बरखुदार इस बाकी का जमानत है कि तुमने ये कौड़ी कौड़ी करके जमा की हुई रकम अपने महलियों के गांव पर इजावत नहीं करो। तुम कुछ भी कहो, लेकिन बेटा अगर एक बार इंसान अपना अतबार खो दे तो उस पर दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता। आइए मेरे साथ। यार अजीब आदमी हो, मैं इस कर्ज मांगने के लिए मुझे नींद से जगा दिया। हालात खराब हो तो इंसान एटिकेट भी भूल जाता है। यार आतिफ, तुम ऐसे वक्त पर आए हो कि मुझे खुद एक पैसे की जरूरत है। 15 लाख रुपए की फैक्ट्री खरीदी है, 10 लाख रुपए की जमीन ले रहा हूं, और फिर एक सिनेमा मुझे ठेके पे भी लेना है। I'm sorry, मैं तेरे तक तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। अरे यार आतिफ, एक कप चाय का तो पीते जाओ। मुझे चाय की नहीं, जहर की तलाश है। हर खास आम को इत्तला दी जाती है कि परसों बरोज इतवार आसिफ मालिक कल सुलेमान सेठ के बंगले की नीलामी की जाएगी। सब आ ही गए हैं, अब नीलामी शुरू कर ही दीजिए। सुनिए साहबान, ये बंगला नीलाम किया जा रहा है। जिस साहब के नाम इसकी बोली खत्म होगी उसे निश्चित रकम इसी वक्त अदा करनी पड़ेगी, और बकाया आधी रकम 15 दिन के अंदर अंदर अदा करनी होगी। लिहाजा इस बंगले की बोली 1 लाख रुपए से शुरू की जाती है। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, बढ़िए सुनहरी मौका है, बढ़िए 2 लाख, 1, 2 लाख, 2, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 1, 2.5 लाख, 2, 2.5 लाख, 3 लाख। साढ़े 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 4 लाख, 1, 4 लाख, 2, 4.5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 1, 5 लाख, 2, है कोई और साथ बढ़ने वाला? सुनहरी मौका से जाने दीजिए। 5 लाख, 1, 5 लाख, 2, 5 लाख, 3। हमारी इज्जत नीलाम हो रही है, इससे पहले कि कोई मुझे पैसे करके निकाल दे मैं अपना हाथ बहुत कर लूंगा। बेटा, माँ के हाथ में बेटा नहीं मर सकता। माँ मेरी जाति सी नहीं बेटा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। मर जाने तो माँ मुझे मर जाने। साहब, जिंदगी जैसे अनमोल चीज को खत्म करने वाले बुद्धि होते हैं, सारी जिंदगी जुल्म करके मुस्कुराते रहे, और आज दुनिया ने थोड़ा सा जुल्म किया तो हिम्मत हार बैठे। इस दौलत और जायदाद के गुरूर में तुम औरत को खिलौना समझा हुआ था, जिसके मालिक आज मैं खुद हूँ। चलो इस कोठी के कागजात, बोली देकर इसे मैंने खरीदा, ये लो मरी वाले बंगले के कागजात, और इसके अलावा जो कुछ तुमने मुझ पे खर्च किया है वो सब कुछ बेचकर मैंने तुम्हारे नाम बैंक में जमा कर दिया। चलो ऐसे मौके पर चक्के में मरना चाहता हूँ, तुम मुझ परेशान जताने आई हो। अपनी जीवे कहो, नरगिस नहीं सुराइया कहो। तुम सुरैया? हाँ हाँ सुरैया मैं हूँ। पहले रोज तुमने मुझे ठीक पहचाना था, लेकिन तुमके लिए मैंने ऐसे नाटक इसलिए खेले कि तुम मुझे तवायफ समझ कर भासने की कोशिश करो, और अपना सब कुछ लुटा कर फकीर हो जाओ, ताकि तुम्हें मैं बता सकूं कि तुम गरीबों को हकीर समझते थे, लेकिन गरीब सिर्फ वफा के नाम पर लगता है।
एक बार उसकी वफा को ठुकरा दिया जाए तो वो ऐसा इंतकाम लेता है जिसके इज्जत का नमूना रस्तम बन गया हो। जब तक जिंदा रहो ये महसूस करते रहना कि जब तुम्हें हर कोई ठुकरा दे तो उस वक्त बचाने के लिए सिर्फ तुम्हारी बीवी आएगी, कोई जमानत नहीं। तुम बीवी को नाच देखना चाहते थे ना, आज के बाद इस यकीन से आना कि दुनिया के सामने तुम्हारी बीवी तुम्हारे कदम इस घर से भाग नहीं जा सकते। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? तुम्हारा शौहर। नहीं, इंतकाम लेने के लिए शादी करने वाले शौहर नहीं होते। सुरैया, तुम मेरी भूल थी। अब ये तुम्हारी धौंस है? मेरी इल्तिजा है, तुम मेरी इज्जत हो, मेरी जिंदगी हो, मेरी बीवी हो। सुरैया, ये सबको नया सितम करने के लिए तो नहीं कह रहे हो? खुदा ना करे मौत की आरज़ू करने वाले आसिफ को ये एहसास तुमने दिलाया सुरैया कि भटके हुए शौहर की इज्जत नीलाम होने लगे तो उसकी इज्जत बचाने के लिए कोई ताश्ता या तवायफ नहीं। वो बीवी आती है जैसे बदनसीब मत सांधी कमीज या पाओ की चुटी समझते हैं। खुदा गवाह है मर्द आज उसी वक्त बनता है जब तुम्हारे जैसी उसके सर का ताज बन जाए। अपनी मुझे माफ कर देना चाहिए। अपनी चीज के सामने झुकते नहीं, उसे कहीं बिठाते। आप कहां जा रही है? कहां जा रही है? जहां किस्मत ले जाए। इस घर में क्या है? मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। आप नहीं जाएंगी? मैं आज बेटा सीधे रास्ते पे आया तो आप भटकना चाहती हैं? बहू, माँ बनकर मुझे गले लगाई है इसलिए कि मेरी माँ नहीं है। बेटे, बेटे जी, खुदाया कल ये दुनिया मुझे मेरे गुनाहों की सजा देने लगे तो गवाह रहना कि प्यास घर उजाड़ना ही नहीं घर बसाना भी जानती है।